पब्लिक, अभी तो हम लोग आ गए हैं घर पे, देख सकते हैं पूजा भी हुई है, बहुत ही प्यारा घर है। हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और हम लोग भी अच्छे हैं। और अभी 7 बज गए हैं, ऐसे तो मैं बहुत पहले उठी थी, मतलब 6 बजे में उठ गई थी, पानी वगैरह पी, फ्रेश हुई, तो मैं सोची तो लेट से जाऊंगी वॉकिंग पे, क्योंकि मेरे हस्बैंड भी उधर से आएंगे तो मैं उनको भी लेके आऊँगी, और कुछ सब्जी वगैरह लेने का था तो मैं वो भी लेके आऊँगी। और चलिए आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। अभी मैं वॉकिंग के लिए आ गई हूँ, जब तक वो ड्यूटी से नहीं आते तब तक मैं वॉकिंग करूँगी। बहुत मस्त लग रहा है, लेकिन अच्छे से ठंडी ठंडी हवा चल रही है इधर। फ्लावर कितना प्यारा है, एक्सरसाइज तो हो गई। अभी मेरे हस्बैंड भी आ गए हैं तो अब चलते हैं घर, कुछ सामान ले लेते हैं फिर घर चलते हैं। पार्क में एक्सरसाइज करने का मजा ही कुछ और होता है, घर में तो बस वो मजबूरी से करना पड़ता है क्योंकि समय नहीं मिलता है। फिर इधर आओ तो लगता है बच्चे लोग का लेट हो जाएगा ब्रेकफास्ट बनाने में। ऐसे तो मैं एक हफ्ते तो नहीं आई थी, आज संडे थी तो मैं सोचे चलो आज बाहर ही चलते हैं। अरे स्टेशन किधर है, ये वाला स्टेशन है सामने जो ब्लू ब्लू दिख रहा है वो स्टेशन है, उधर से आएंगे वो। मैं आ गई, 8:30 भी हो गए, अभी वेद उठ गया है, लेकिन किट्टू भी सो रही है, वो बिना उठाए नहीं उठने वाली है ये। आराम से सो रही है, कितनी क्यूट दिख रही है किट्टू। तो बोली थी संडे को जल्दी उठूंगी। हाँ, अब ध्यान ही नहीं था कि सब्जी भी लाना है उठा के नीचे से। तो जल्दी जल्दी आ गए कि बच्चों लोग उठे कि नहीं उठे देखने के लिए। हाँ आलू ये क्या दिख रहा है, ब्रेकफास्ट का तो टाइम हो गया हम लोगों का, अभी शेक बनाती हूँ, वेद लोग के लिए कुछ ब्रेकफास्ट बनाती हूँ, आज पोहा ही खाएगा उन लोग। पोहा ही खाओगे, क्या खाओगे, नीचे जा रहे हो, पानी पिया क्या? घर का किशमिश रेडी है, थोड़ी सी धूप में रख देती हूँ। वाह एकदम बिल्कुल किशमिश मार्केट जैसा लग रहा है। रखू तो किसमें रखू, ब्रेकफास्ट रेडी है, न्यूट्रिशन शेक क्या है, हाई प्रोटीन लो कार्ब, कैलोरीज फिर से बोलते हैं हम लोग का। न्यूट्रिशन शेक रेडी है, हाई न्यूट्रिशन और लो कैलोरी है इसमें, और अपने वो ये मेरा वेट मेंटेन करने में बहुत, मतलब क्या, बहुत सपोर्ट किया है।
अब मेरा देखा देखी ये भी पीते हैं वजन नहीं है तो हाँ फिर 5 kg घटाए ना इस। चले ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, उसके बाद खाना भी बनाना है। आज तो पूजा में जाना है किसी का गृह प्रवेश में, तो वो शाम में जाना है। बच्चों के लिए पोहा रेडी है, झूलों को दे देती है। किसी की चेहरा भी तक सो रही है, उसका तो वैसे ही रहता है। देख के दे देती हूँ कि ये डल खेल के आया है वो नीचे से। क्या हुआ लोबेद, उठो उठो। अभी 11 बज गए हैं और अभी मैं लंच का तैयारी करने लगी हूँ। सब्जी बन गया है और रोटी में बनाऊंगी, क्योंकि मेरे हस्बैंड जी तो भाई मेरे एडिटिंग में लगे हुए हैं, क्योंकि वही करते हैं। मुझे तो एडिटिंग आता नहीं है, रहते हैं ये तो बोलते सीखो सीखो, अब घर का काम करो या एडिटिंग सीखो या क्या करूँ मैं। सीख रही हूँ ना थोड़ा थोड़ा आता है मुझे, ऐसा भी नहीं कि नहीं आता है, बट आप कर ले रहे तो अच्छी बात है ना, कि उसके बदले में कुछ और काम कर लूँ। जाओ ये फटाफट नहा जाके। 2 बज गए हैं, लंच का टाइम हो गया है और देखते कौन कौन खाएगा। खाने की टुकड़ी देख उनको, लंच का टाइम हो चुका है और वेद तो खाना मांग रहा है, उसके पापा को भी नहीं चाहिए, उनको भी भूख नहीं लगी है उनको, क्योंकि वो पोहा खाए थे ढेर सारा खा लिए थे पोहा। किट्टू चाहिए तुमको खाना है? किट्टू इतना सारा आम कहाँ से लेकर आई है किट्टू तुम? इसलिए उसकी फ्रेंड लोग बुलाने के लिए आई थी। दिखा दिखा दिखा। आज के लंच में देख सकते बच्चों के लिए, क्योंकि वो लोग चने झिंगली नहीं खाते, तो लोग जैसी भिंडी का भुजिया बनाई हूँ। ये वेद भैया का है, किसके लिए है? नहीं खाते, वो टीवी नहीं देखना है। पहले तुम देखते थे मम्मी। हाँ तो अभी नहीं देखना है, चल खाना खा। कैसे बोलता है? मेरे लंच में देख सकते हैं झिंगली चने का सब्जी है और भिंडी का भुजिया है, 2 रोटी है। खाना लगवा के यहाँ पे रखा हुआ है और रिमोट के लिए दोनों लड़ाई कर रहा हूँ वहाँ पे। वेद क्यों कर रहे हो? तब से तो बोल रहे थे कि भूख लगी है भूख लगी है, अभी खाना वहाँ पे रख कर फिर क्या कर रहे हो तुम्हें दोनों? चलो उठो किट्टो, जो बैठे टीवी बिल्कुल स्टार्ट नहीं होगा। चलो अभी वो नहाने के लिए गए हैं, जब आएंगे तो भी मैं उनको खाना दे दूंगी, क्योंकि उनका टाइम मेरे एडिटिंग मेरे वीडियो एडिटिंग करने में ही चले जाता है। हम लोग सभी फैमिली आज गृह प्रवेश में जा रहे हैं। अभी हम लोग इधर से बस पकड़ेंगे, भी बस से जाएंगे क्योंकि ट्रेन का टाइम तो चला गया। हम लोग पहुंच गए घर, देखिए कितना प्यारा घर है। अभी तो हम लोग आ गए हैं घर पे, देख सकते हैं पूजा भी हुई है, बहुत ही प्यारा घर है। वाह, फ्लोरिंग का भी बहुत बढ़िया काम है। ये हॉल हो गया। हाँ ये हॉल है, वहाँ ऊपर भी बहुत अच्छा है। किट्टू ये बालकनी है, बालकनी का स्पेस भी बहुत ही बढ़िया है, इधर का लोकेशन भी बहुत अच्छा है।
हुई? हाँ। बहुत बढ़िया कराए हैं। किट्टू क्या कर रही है? आइसक्रीम खा रही है। गाइस हम अभी घर जा रहे हैं, अभी यहाँ पास में ही है स्टेशन। और मम्मी ने अपनी मम्मी का संडे से चल ही नहीं पा रही है, पहनने का आदत नहीं है, पहनने का आदत ही नहीं है मम्मी का। गाइस अभी जा रहे हैं स्टेशन है, देख लो। और यहाँ मम्मी पापा है और भैया है और मैं हूँ। और अब हम सामने ही है, चलो हम चलते हैं। देखो मम्मी पापा की इच्छा है, सामने है, सामने स्टेशन है, हम जा रहे हैं स्टेशन। सामने आपको दिखाते हैं, देखो सामने स्टेशन है। और मम्मी पापा पीछे हैं, भैया और मम्मी पापा नहीं है, भैया को पापा ही बोलते हैं। पापा देखिए गाइस, चलो स्प्राइट ले लेते हैं मेरे लिए, फ्रूटी, मैं फ्रूटी ले लेती हूँ। पापा फ्रूटी लेके आना, छोटा वाला थोड़ा सा, बड़ा वाला बॉटल वाला। ये भैया मुलगे है, यहाँ पे उन्होंने फ्लैट लिया चीटी, तो उसमें हम लोग आए गृह प्रवेश में। खार कोपर स्टेशन बहुत गर्मी, बहुत ज्यादा गर्मी है, मजबूरी भी पीना पड़ रहा है। वाह ये खार कोपर है, पुलवे का स्टेशन है, ये नवी मुंबई में है, आता है अभी, न्यू स्टेशन बनी है ये। अच्छा स्टेशन अब हम लोग जूही नगर पहुंच गए हैं, अभी ऑटो पकड़ेंगे और फिर अपने घर पे पहुंचेंगे। हाँ अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर करना, और मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।